पिहोवा नगर पालिका पूरी तरह खाली, लोग हो रहे हैं बुरी तरह परेशान। पिहोवा नगर पालिका पूरी तरह खाली पड़ी है। लोगों की शिकायत पर जब वहां पत्रकार पहुंचे तो देखा गया कि सुबह के 11 बजे तक इक्का दुक्का एम्प्लॉयज को छोड़कर पूरी नगर पालिका खाली पड़ी हुई है। पूरी नगर पालिका में नगर पालिका के सेक्रेटरी सहित कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस कारण पिहोवा के लोग बहुत परेशान हैं और नगर पालिका से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि पिहोवा के स्थानीय लोग हर रोज यहां पर अपने काम के लिए आते हैं, परंतु नगर पालिका के सेक्रेटरी श्री बबूल सिंह कभी भी अपनी सीट पर नहीं मिलते, जिससे आम जनजीवन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर आए एक नगर पालिका के MC ने भी यही बात कही कि हम भी सेक्रेटरी से बहुत तंग आ चुके हैं और वह अपनी ऑफिस सीट से लगभग गायब ही रहते हैं। जब इस समस्या को लेकर नगर पालिका के एक एम्प्लॉय से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी साहब ने DC साहब को छुट्टी अप्लाई की हुई है। नगर पालिका एम्प्लॉयज ने कहा कि यहाँ पर स्टाफ की भी कमी है। संयोसर के एक्स सरपंच ने अपनी शिकायत में कहा कि मैं अपना घरेलू काम छोड़कर कई बार नगर पालिका में आ चुका हूँ, परंतु सेक्रेटरी अपने ऑफिस में कभी नहीं मिलते, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ और इसके अलावा पिहोवा वासी भी बहुत तंग आ चुके हैं। उन्होंने प्रशासन व सरकार से गुजारिश की है कि या तो सेक्रेटरी को आदेश दिया जाए कि वह अपनी सीट पर बैठे, नहीं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणदीप सिंह सर, एक्स सरपंच सर। सुन सर, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने पोते की फाइल मार्क करवानी थी सेक्रेटरी साहब से। मैं यहाँ कम से कम 20 चक्कर लगा चुका हूँ जी, परंतु सेक्रेटरी साहब यहाँ कभी नहीं मिलते मौका पर, और बहुत लोगों की यही शिकायत है। सेक्रेटरी साहब तो यहाँ बैठते नहीं है, ना जेई बैठता है कभी भी, ना अन्य स्टाफ भी जो भी होता है इधर उधर रहता है। अपने ऑफिस में कोई भी नहीं मिलता कभी, इससे लोग बहुत परेशान हैं। काफ़ी लोग यहाँ मिलते हैं, मेरे को भी बार बार आते हैं, तो यहाँ कोई नहीं मिलता है। सेक्रेटरी साहब अक्सर नहीं बैठते या कभी नहीं बैठते? साहब तो बैठते नहीं है, जब आते भी हैं तो दफ्तर से बाहर ही रहते हैं। कभी 4-5 बजे दफ्तर में 5-10 मिनट आते हैं, उस टाइम लोग सभी अपने अपने गाँव को चले जाते हैं। तो आम जन लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आम लोगों को। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सेक्रेटरी साहब को यहाँ टाइम पे बैठा जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी। मैडम, आपका नाम क्या है? रेनू जी, आप ये बताइए कि अक्सर लोगों की ये शिकायत आ रही है कि जो सेक्रेटरी साहब यहाँ पर नहीं बैठते और मतलब लोग बहुत तंग होते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सेक्रेटरी साहब कल छुट्टी पे थे और आज भी छुट्टी पर हैं, उन्होंने फोन पे ही बताया था, पर क्योंकि छुट्टी उनके DC साहब सेंक्शन करते हैं, इसलिए वो छुट्टी उन्होंने DC साहब को लिख दी है। कॉपी आपको मैंने दिखा दी है उनकी। तो कल तक वापस आ जाएंगे? कल की मैं कल ही बता पाऊंगी वैसे, क्योंकि लोग बहुत, क्योंकि आज तक की मेरे पास की इन्फॉर्मेशन है ना।